हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दिखाऊंगा फ्लिपकार्ट पे आप जब ऑर्डर लगा देते हो इसके बाद में जो लोकेशन होता है, जो एड्रेस होता है, वो अगर आप चेंज करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। अगर आपने जो भी ऑर्डर लगाया वो आपका जो लोकेशन है यहाँ पे आप रिसीव करने के टाइम पे नहीं रहोगे, तो आप जहाँ पे वो टाइम पे रहोगे वहाँ पे एड्रेस लगा सकते हो। तो कैसे करना है, पहले आप लोगों को फ्लिपकार्ट ओपन कर लेना है। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट्स का, यहाँ पे आ जाना है। आने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को ऑर्डर्स का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। इसके बाद में आपका जो भी ऑर्डर है यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पहला जो ऑर्डर है ये कैंसिल हो गया। इसके साथ साथ में एक ऑर्डर है अभी डिलीवर्ड एक्सपेक्ट जुलाई 23, तो जो ऑर्डर है यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। इसके बाद में आप लोग देख सकते हो ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर का जो भी सामग्री है यहाँ पे दिखाएगा क्या ऑर्डर किया था, कितना रुपया का। तो आप लोग स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। आने के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आना है। आने के बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो यहाँ पे एड्रेस है यहाँ पे, तो आप सिंस के ऑप्शन पे क्लिक करके तो यहाँ पे एड्रेस की जगह पे यहाँ पे देख सकते हो ऐड न्यू एड्रेस। तो यहाँ पे आपका जो भी करंट सिटी है वो दे देना है, जो आप नया अपडेट करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं करंट दे दिया, तो इसके बाद में आपका जो भी एड्रेस है वो दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देने के बाद में आप लोगों को एरिया दे देना है, तो यहाँ पर मैं एरिया दे देता हूँ, तो आप लोगों का जो भी एरिया है दे देना है। इसके बाद में स्टेट दे देना है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर पिन कोड देना है, ठीक है। इसके बाद में आप लोग देख सकते हैं, इसके बाद में एक लैंडमार्क दे देना है, जो भी आपका लैंडमार्क है तो आपको दे दिया। तो यहाँ पे बिकी फोन नंबर आप लोगों को दे देना है। तो देने के बाद में यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो जो भी होम एड्रेस है या वर्क एड्रेस है, तो यहाँ पे वर्क एड्रेस दे देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी होम एड्रेस है, तो यहाँ पे सेव कर देना, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कोई एड्रेस बाकी रह गया, तो यहाँ पे एड्रेस दे देना है। देने के बाद में यहाँ पे जो भी रेड कलर में आएगा इसको आप इसे फिल करना है, इसके बाद में यहाँ पे सेव कर देना, ठीक। तो आप लोग देख सकते हो ऑर्डर जो भी करंट लोकेशन पे जो आप अभी अपडेट किए हो यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, जो ओल्ड लोकेशन है यहाँ से यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर समरी पे दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये नया एड्रेस है जो अभी अभी एड किया है, ठीक है। तो इसके बाद में आप लोग जो नया जगह पे आप डिलीवरी ले सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करें।